हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं ड्राई फ्रूट श्रीखंड बनाने जा रही हूँ। श्रीखंड बनाने के लिए हम 2 कप दही लिया है और हम एक गंजी है लिए हैं, गंजी में एक जाली भी लिए हैं। जाली के ऊपर काटन का कपड़ा रख देते हैं और हम दही को इसमें डालेंगे, अच्छा होता है। और इसको हम पकड़ेंगे और ऐसे पूरा दबाते हुए ऐसा निकालेंगे ताकि पानी अलग निकल जाएगा नीचे और दही गाढ़ा गाढ़ा अच्छा से रह जाएगा। दही का अतिरिक्त पानी है वो निकल गया है और इसको हम 2 घंटे के लिए अच्छा से दबा के ढक्कन ढक देंगे और कुछ वजन रख देंगे इसके ऊपर। यह है इसमें और एक पानी है पूरा भर, इसको हम दबा के रख देते हैं 2 घंटा के लिए। हमने ऐसे वजन रख दिया है 2 घंटा के लिए ताकि और पानी रहेगा वो भी निकल जाएगा। 2 घंटा हो गया है और अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा हंकट रेडी हो गया है, पूरा अतिरिक्त पानी है वो निकल गया है। इसको हम अलग बाउल में डाल लेते हैं। हमारा दही को, दही का जो हंकट बनाए हैं उसका ये पानी निकला है, इसको पानी को फेंकेंगे नहीं, हम दही बनाने के काम, कढ़ी बनाने के काम में लाएंगे। अब हम इसको अच्छा से क्रीमी होते तक फेंट लेते हैं ताकि कहीं पे लम्स वगैरह ना रहे। मस्त अच्छा क्रीमी हो गया है हमारा दही है वो। अब इसमें हम शक्कर 2 चम्मच है उसको हम पीस के डाल रहे हैं, पीस लिए हैं और इसको भी अच्छा से हम मिला लेते हैं। हमने अच्छा से मिला लिया है और इसमें हम काजू बादाम पिस्ता है जो हम छोटे छोटे काट लिए हैं उसको हम डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर है इसको भी डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं। और 2 चम्मच गरम दूध हमने केसर डाल के रखा है इसको भी हम यहाँ डाल रहे हैं, इससे अच्छा कलर आता है। केसर 10-15 धागे था इसको हम गरम दूध में डाले थे तो कलर आ गया है और इसको हम अच्छे से और मिला लेते हैं। हमने अच्छा से मिला लिया है पूरा, हमारा श्रीखंड बन गया है, मस्त अच्छा लग रहा है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमारा ड्राई फ्रूट श्रीखंड बन के तैयार है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और खाने में बहुत ही यमी है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं और फ्रिज में रखने के बाद 2 घंटे के बाद खाओ और ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कभी भी मीठा खाने का मन हो तो श्रीखंड बना के खा सकते हैं और फ्रेश दही का बनाने से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खट्टा दही रहने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।